यीशु का आना धरती पर क्यों जरूरी है, यीशु हमें क्यों चाहिए, यीशु के होने से क्या मिलता है, क्यों परमेश्वर ने 2020 साल पहले अपने इकलौते पुत्र को धरती पर भेजा, क्यों? क्या ये सवाल आपके दिमाग में नहीं उठता है? क्या ये सवाल आप नहीं सोचते हैं कि यीशु ही क्यों, क्यों यीशु हमें चाहिए, कोई और क्यों नहीं, सिर्फ यीशु ही क्यों? क्या मैं स्वार्थी हूं? क्या पिता परमेश्वर नहीं जानता है हमें सिर्फ और सिर्फ यीशु क्यों चाहिए? यह सवाल बहुत जरूरी है जिसे आपको अपने आप के करना है कि मैं यीशु को ही क्यों पूजूं? हालेलुया। आज मैं आपको बताऊंगा, इस सवाल का उत्तर मैं आपको दूंगा, यीशु ही क्यों। इसे ध्यान से समझिए और ध्यान से सुनने की कोशिश करिए, इस वचन को अपने अंदर लीजिए। आज हम एक हफ्ते के बाद यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने वाले हैं। क्यों, क्यों पूरी दुनिया मनाती है? यीशु मसीह 2020 साल के बाद 20 साल पहले आया, मरा और जिंदा हो गया। क्यों उसको मर के जिंदा होना पड़ा? क्यों वो जिंदा होकर आकाश में उठा लिया गया? Praise the Lord। ये हर चीज समझना जरूरी है। अगर हम इसको नहीं समझेंगे, जानेंगे, तो हम संदेह के दायरे में आ जाएंगे। आपकी परीक्षाएं आपको संदेह में डाल देंगी, आपकी अभिलाषाएं आपको संदेह में डाल देंगी। और अगर आपके पास आंसर नहीं होगा तो आप पीछे हट जाएंगे। इसलिए आपके पास आंसर होना जरूरी है, उत्तर होना जरूरी है। प्लीज, आमीन। आज हम एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। इफिसियो 2:1-2 पढ़िए। इफिसियन 2:1-2। हालेलुया। इस वचन को ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि आप पहले क्या थे। आप जानना चाहते हैं कि मैं क्या था? हेलो, कितने लोग जानना चाहते हैं कि क्या, क्यों यीशु मसीह आया, हमारे हम क्या थे? प्रेज द लॉर्ड। हम लोग कैसी स्थिति में थे, हम लोग कैसी परिस्थिति में थे, हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग कैसा जीवन जी रहे थे, हम लोग कहां जा रहे थे? इफिसियो 2:1-2 चलिए पढ़िए बेटा, ध्यान से। उसने, हालेलुया, उसने तुम्हें भी जिलाया, हाँ, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। आमीन। उसने आपको जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। इस वचन को समझिए आप। हालेलुया। क्या अपराध किए थे आपने? दुनिया अपराध को मानती है, हत्या करना, लूट करना, डकैती डालना, उसको अपराध समझती है, उसको अपराध समझती है कि हत्या कर रहा है ये अपराधी है, ये डकैती डाल रहा है ये अपराधी है, ये लूट रहा है ये अपराधी है। लेकिन यहां पर क्या है, उसने कहा तुम लोग, क्या सब लोग डकैती करते, क्या सब लोग हत्या करते नहीं करते ना? तो क्या, क्यों लिखा हुआ है कि तुम सब लोग अपराधी थे? हम सब लोग क्या थे? और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों, यानी कि सब लोगों के बारे में बात कर रहा है कि तुम सब लोग अपराधी थे। हालेलुया। अपराध क्या है? इसका मतलब अपराध लूटना नहीं है, अपराध हत्या ही करना नहीं है, अपराध डकैती डालना ही नहीं है। अपराध क्या है परमेश्वर की नजरों में? नीति वचन 6:16-18 पढ़िए, जल्दी से पढ़िए। 6 वस्तु से युवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उनको उसको घृणा है। घमंड की चढ़ी हुई आंखें, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें। अब ये 7 चीजों को समझिए, क्या थी, अपराध क्या है? अपराध ये है, हत्या करना ही अपराध नहीं है, डकैती डालना ही अपराध नहीं है,
किसी का माल लूट के खाना अपराध नहीं है, अपराध यह भी है कि घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाले जीभ, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, 18 अर्थात कल्पना करने वाला मन, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, बुराई करने वाले वेग, दौड़ने वाले पाव, 19 झूठ बोलने वाले साक्षी, और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। भाइयों के बीच में झगड़ा कराने वाला मनुष्य। पूछिए अपने आप से कि आप ये लोग थे कि नहीं थे, आप ये थे कि नहीं थे, ये सातों चीजें आप में थी कि नहीं थी। घमंड था, झूठ था, लालच था, अपना काम कराने के लिए धोखा देना, भाइयों के बीच में झगड़ा निपटाने के लिए, लगाने के लिए, यानी कि आप स्वभाव ही से शैतान की संतान थे। अभी इफिसियों 2:2 लाइए, क्या था? आप स्वभाव ही से क्या थे? शैतान की संतान थे। आपके अंदर कौन सा स्वभाव था? झगड़ा करना, अपना काम कैसे भी बने, कैसे भी मुझे मेरा हिस्सा बन जाए, मिल जाए, चाहे मैं झूठ बोलूं, चाहे मैं धोखा दूं, चाहे मैं अपना काम करा लूं, मुझे अपना काम कराना है। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि अंधकार ही अंधकार में आप चल रहे थे। पूरी दुनिया जो आज नहीं जानती यीशु मसीह को, अंधकार में चल रही है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह क्यों आया? यीशु मसीह का आपके जीवन में होने का मकसद क्या है? हम गलत सोच रहे थे, हम गलत व्यवहार कर रहे थे, हमारे अंदर घमंड था, बुद्धि का घमंड, आंखों की लालसा, अभिलाषा, ये सारी चीजें क्या हमें परमेश्वर से मिलाएंगी? हेलो, हाँ के ना? ये सारी चीजें हमें परमेश्वर से नहीं मिलाएंगी, ये सारी चीजें हमें नरक की ओर लेकर जाएंगी। कई लोग, बड़े बड़े संत कहते हैं, मैं मुझे दुख होता है, वो कहता है कि नरक ही नहीं है। अरे लाना था तुम्हारे ज्ञान पर, जिस दिन तुम नरक में जाओगे उस दिन तुम्हें पता चलेगा नरक ही नहीं है। दाढ़ी बनाई हुई है, यहां टीका लगाया हुआ, बोला नरक नहीं है। अरे तुम नरक में बैठे हुए हो, तुम, तुम्हारा स्वभाव नरक का है। अगर यह स्वभाव आपने चेंज नहीं किया तो आप नरक में जाएंगे। बाइबल कहती है, मैं नहीं कहता हूं। क्या था? आप अपराध थे। सेकंड क्या बोलता है? 2:2 इफिसियों 2:2 जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। यानी कि अपराध आप क्या कर रहे थे? कि आप संसार की रीति पर चल रहे थे और अंधकार की शक्तियों की बात मान रहे थे। अंधकार की शक्तियों के सहारे चल रहे थे। अंधकार की शक्तियां क्या कहती है? शैतान बहुत झूठा है, आपको पता है। शैतान आपको धोखा देता है, रोज धोखा देता है। शैतान आपको रोज धोखा देता है और कहता है कि नहीं, धोखा दे कुछ नहीं, अरे एंजॉय कर लाइफ को, एक ही जीवन मिला है, एंजॉय कर। गलत भावनाएं आपके मन में लेकर आता है, शरीर की अभिलाषाओं को आपके अंदर डालता है, और आप अपनी शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। पिछले हफ्ते यूएस में एक कानून पास हुआ है, यूएसए में एक कानून पास हुआ है कि एक ही जेंडर के लोग शादी कर सकते हैं। आदमी आदमी से शादी कर सकता है, औरत औरत से शादी कर सकती है। यूएसए में ये कानून पास हो गया है। क्या मतलब है? कि आप नेचर के विरुद्ध काम कर रहे हैं। यह अंतिम समय है। अगर आपने अपने आप को उस ज्योति के द्वारा अपने जीवन को नहीं चलाया, मैं आपको सच कह रहा हूं, मैंने एक वीडियो भेजा है, उसमें लिखा हुआ है ये 16 अध्याय में प्रकाशित वाक्य में कि एक नदी है इज़राइल में जिसका अंतिम समय में सूखना जरूरी है ताकि वहां पर जो दूसरे राज्य के लोग आएंगे वो युद्ध करेंगे, और वो नदी सूख चुकी है। आप मजाक मत समझिए,
नूह के समय में भी लोग मजाक समझते थे, नूह के लोग के समय में लोग समझते, अरे नहीं आएगा, पानी कहां से आएगा यार, नूह पागल है, बरसात अभी तक हुई नहीं, बरसात कैसे होगी, पानी कहां से आएगा, हम लोग सेफ हैं। अंतिम समय में बाइबल क्या कहती है, आग गिरेगी, तारे आग के मानंद गिरेंगे। अंतिम समय में यीशु आने वाला है और लेकर जाने वाला है, मैं आपको सच कह रहा हूं। और ये अंतिम समय नजदीक है, ध्यान से सुनिए, हम अंतिम समय के बहुत नजदीक हैं, बहुत। मैंने आपको पहले भी समझाया था, ध्यान से समझिए, बाइबल में लिखा हुआ कि अंतिम समय में रुपए का लेन देन खत्म हो जाएगा। आप देखिए अभी 85-90% रुपए का लेन देन खत्म हो चुका है, लोग फोन से करते हैं, फोन पे जी पे कार्ड से करते हैं कि नहीं करते हैं, हाँ कि ना, 90% आज के दौर में अगर आप देखेंगे तो रुपए का लेन देन खत्म हो गया, और ये बाइबल में लिखा हुआ है। और उसके बाद क्या होगा, जो आज का टीवी अनाउंस कर रहा है कि चिप आएगी, जैसे आज आपका आधार कार्ड है ना, आप बिना आधार कार्ड के कुछ नहीं ले सकते, आपको अपना नंबर चाहिए, उसी समय आप चिप आने वाली है, जो इंटरनेशनली पूरे देश को, पूरी दुनिया को एक नंबर से जोड़ेगी, वो चिप आने वाली है, जो आपके हाथ में लगाएंगे, और जिसके हाथ में चिप नहीं होगी ना, उसको खाना भी नसीब नहीं होगा, उसकी अपनी प्रॉपर्टी अपनी नहीं होगी, जिसके हाथ में चिप नहीं होगा। और बाइबल में लिखा है कि जो अपने हाथ में चिप लेगा वो नरक में जाएगा। इसका मतलब क्या है कि चिप आने से पहले यीशु आएगा। हमको चिप नहीं लेने देगा, वो यीशु आएगा, लेकिन यीशु के साथ कौन जाएगा? सवाल यह है, अगर आपने अपने आप को नहीं संभाला, अगर आपने अपने अंदर से स्वभाव को नहीं डाला, अपने स्वभाव को उस ज्योति के अनुसार नहीं चले आप, और अगर आप कहीं रह गए, तो 7 साल का जो महासंकट का काल है ना, वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, चाहे कितना भी पैसा क्यों ना हो, खत्म। आपको नहीं पता है कि दौर कितनी जल्दी बढ़ रहा है, इसलिए हमें कुछ भी, हमारा खजाना कौन है? यीशु। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरी धन दौलत क्या है? ये वचन मेरी धन दौलत है। अगर ये वचन मेरे अंदर नहीं है तो कुछ भी नहीं है, चाहे मेरे पास करोड़ों की प्रॉपर्टी क्यों ना हो, अगर ये वचन मेरे पास नहीं है, यही मुझे बचाने वाला है, ये वचन मुझे बचाने वाला है। हालेलुया। अपनी बाइबल अपने हाथ में उठाइए, अपनी बाइबल अपने हाथ में उठाइए, जो अपनी बाइबल लेके आए अपने हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। हालेलुया। बोलिए ये वचन, बोलिए ये बाइबल मुझे बचाएगी, ये बाइबल के अंदर लिखी हुए वचन वो मुझे बचाएंगे। हालेलुया। और कोई नहीं है, इसलिए इसको ठट्टे में मत उड़ाइए। गलतियों 6:7 क्या लिखा हुआ, जल्दी से पढ़िए, गैलेशियन 6:7, इसको ठट्टे में मत उड़ाइए। मैं आपको सच कह रहा हूं, आज आपको बयान दे रहा हूं, हो सकता है आपको बुरा लग रहा है, लेकिन मैं आपको सच बोल रहा हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर का धर्मी हूं, ये बताना मेरा फर्ज है। गलतियों 6:7, धोखा ना खाओ, पढ़िए बेटा, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य कैसे उड़ाते परमेश्वर को ठट्टों में, जब आप उसके वचन की वैल्यू नहीं करते। अरे आएगा परमेश्वर, देख लेंगे। जब आप परमेश्वर के वचन की, जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं की वैल्यू नहीं करते हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर को ठट्टों में उड़ा रहे हैं। आमीन। आप परमेश्वर के वचन से ज्यादा अपनी इच्छाओं को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, अपनी बुद्धि को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इसलिए उसने कहा धोखा मत खाओ, धोखा मत खाओ अपनी बुद्धि के द्वारा। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता।
क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। अगर तुम धार्मिकता की फसल बोगे तो धार्मिकता का, अगर बीज बोगे तो धार्मिकता की फसल काटोगे, जो बोगे वही काटोगे। और अंतिम समय है, अंतिम समय है मेरे भाई मेरी बहन, हमें बहुत 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 सतर्कता के संग रहना है। इसलिए दूसरा वचन क्या कहता है, एफिसियों 2:2, कि हम पहले उन्हीं अभिलाषाओं में चल रहे थे, संसार के रीति रिवाजों के अनुसार अपने जीवन को बिता रहे थे, इसलिए हम अपराध कर रहे थे। किस लिए अपराध कर रहे थे? इसलिए अपराध कर रहे थे, इसलिए हम घमंड कर रहे थे, इसलिए हमारे अंदर लालच थी, इसलिए हमारे अंदर स्वार्थ था, इसलिए हमारे अंदर व्यभिचार था, इसलिए हमारे अंदर घृणा थी, क्रोध था। प्रेज द लॉर्ड, यीशु क्यों आया? यीशु क्यों आया? ताकि वो आपके अंदर अपने स्वभाव को डाल सके। प्रेज द लॉर्ड। जब तक आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव नहीं होगा तब आप तक कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। यूहन्ना 1:4 पढ़िए, 4-5। यूहन्ना 1:1, यीशु मसीह क्यों आया? यूहन्ना 1:4। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसमें जीवन था, हालेलुया। तीसरा निकाल दे। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। किसके द्वारा? बोलिए मसीह के, बोलिए यीशु मसीह के द्वारा, मसीह के द्वारा, बोलिए यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा। सब कुछ किसके द्वारा उत्पन्न हुआ? यीशु मसीह के द्वारा। और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। किसके बिना? यीशु मसीह के बिना। किसके बिना उत्पन्न नहीं हुई? यीशु मसीह के बिना। आमीन। 4th उसमें जीवन था, उसमें जीवन था। हालेलुया। जिस वचन के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, जो सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और उसमें क्या था? जीवन था। आगे, और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था, और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। परमेश्वर ने यीशु मसीह को धरती पर क्यों भेजा? ताकि वो ज्योति आप में आए, ताकि आप उस ज्योति को पाकर अपने अंदर जो अंधकार है ना उसको दूर कर सकें। आप अपने आप नहीं कर सकते, आप अपने आप अपने अंधकार को दूर नहीं कर सकते। यीशु की ज्योति आपको बताएगी कि आपके अंदर अंधकार है। हेलो, यीशु की ज्योति बताएगी कि आपके अंदर अंधकार है। कौन बताएगा? कौन बताएगा? इसलिए लुका का 1:8 अगर पढ़ेंगे, 5:8 पढ़ेंगे, तो उसमें जब पतरस था, पतरस यूहन्ना याकूब जब मछली पकड़ने के लिए तट पर थे और रात भर उन्होंने पसीना बहाया और मछली नहीं पकड़ पा रहे थे, यीशु मसीह आया और उसने कहा कि नाव के दाहिनी ओर जाल डालो तुम्हें मछली मिलेगी। दिन का समय था। पतरस यूहन्ना याकूब सोच रहे थे, अरे हम रात को मछली पकड़ते हैं और ये यीशु कह रहा है दिन में जालो, चल यीशु तेरे कहने पर हम जाल डालते हैं। आमीन। और जब इतनी मछलियां उस जाल में फंस गई जो उन्होंने सोचा नहीं था। पतरस ने जब यीशु की भलाई को देखा, पतरस ने जब उस ज्योति को देखा, तब उसके अंदर अंधकार, तब उसको अंदर एहसास हुआ कि मैं पापी हूं। तब उसके अंदर एहसास हुआ कि मैं पापी हूं, मैंने गलत पाप किया है, मैंने यीशु को समझा नहीं। आमीन। ये कौन है? परमेश्वर का अभिषिक्त ये कौन है? आमीन। मेरे भाई मेरी बहन, अभी भी समझ जाइए कि यीशु कौन है। वो अभिषिक्त है, वो आपकी ज्योति है, वो आपके अंदर से अंधकार को दूर करने के लिए आया है। आमीन। अपने अंधकार को आप यीशु के द्वारा ही निकाल सकते हैं और कोई नहीं है। और जैसे ही उसे एहसास हुआ, जैसे उसने ज्योति का अपने अंदर लिया, उसे एहसास हुआ पतरस ने कि मैं पापी हूं। और वो क्या कहता यीशु मसीह से? हे, यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसने महसूस किया कि यीशु, आमीन,
जिस दिन आप ज्योति को पा लेंगे ना, जिस दिन ज्योति आपके अंदर काम करनी शुरू कर देगी, जिस दिन ज्योति आपके अंदर आएगी, आप उस अंधकार से दूर हो जाएंगे। आमीन। जिस दिन आप ज्योति के साथ चलेंगे, अद्भुत अभिषेक, अद्भुत आशीष आपको मिलेगा। हालेलुया। आमीन। इस अंतिम समय में मेरे लिए मेरा खजाना, मेरे लिए मेरा पैसा, मेरे लिए मेरी दौलत, मैं उस यीशु को बता के रखूं, उस ज्योति को अपने अंदर बना के रखूं। आमीन। कोई भी आपको बचा नहीं पाएगा, कोई भी आपको बचा नहीं पाएगा, कोई भी नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं। आपका रुपया पैसा धरा का धरा रह जाएगा, बाइबल में लिखा हुआ है। इसलिए बाइबल कहती है कि धनी व्यक्तियों को हाय, उन पर तरस आता है। लिखा हुआ याकूब की पत्री अगर दसवां अध्याय पढ़ेंगे, एक का दसवां, याकूब की पत्री एक का दसवां अगर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ धनी व्यक्तियों के लिए। हालेलुया। याकूब की पत्री एक का दसवां, और धनवान अपनी नीच दशा पर, क्योंकि वो घास के फूल की नाई जाता रहेगा। आमीन। जितना आपने जोड़ा है, अगर ज्योति आपके अंदर नहीं है, पैसा कमाना बुरा नहीं है, पैसा रखना बुरा नहीं है, पैसा परमेश्वर देता है, लेकिन उस पैसे के संग ध्यान रखिए कि ज्योति भी रहे। प्रेज द लॉर्ड। मेरी ज्योति तो नहीं जा रही इस पैसे के लिए, इन रिश्तों के लिए, इन अभिलाषाओं के लिए, इन परीक्षाओं के लिए, मेरी अभिलाषाओं के लिए, मेरे अंदर की ज्योति तो नहीं जा रही है। आमीन। मेरी ज्योति ना जाए। हाँ, अगर ज्योति मेरे अंदर है, अपरंपार परमेश्वर की बारिश आपको आशीष देगी। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि समय नहीं है, समय नहीं है। 90% लेन देन मोबाइल के थ्रू हो रहा है। बाइबल का एक एक वचन सत्य है, और इसके बाद चिप आने वाली है जो गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है। जी टीवी पे अनाउंस हो चुका है, उस दिन सोनी पे अनाउंस हो चुका है, अनाउंस हो चुका है कि चिप आने वाली है, और वो चिप आप के दाहिनी ओर लगाएगी। वो तो गवर्नमेंट का काम है, लेकिन बाइबल में क्या लिखा हुआ है, वो चिप शैतान की ओर से है। अध्याय 13, प्रकाशित वाक्य अध्याय 13, पढ़िए जल्दी से निकालिए। अध्याय 13, प्रकाशित वाक्य अध्याय 13, 16 लगाइए, 16, हाँ 16 से पढ़िए, 16। और उसे छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास, सबके दाहिनी हाथ और उनके माथे पर एक एक छाप करा दी। और 15 पढ़िए, 15 इसका 15 बोलो। उसे उस पशु की मूर्ति के प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा न करें उन्हें मरवा डाले। जिस दिन आप अभी अंतिम समय में आप शैतान की पूजा नहीं करेंगे, आपको मरवा दिया जाएगा। लिखा हुआ है कि उन्हें मरवा डाले। 16, उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास, सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी। आमीन। जो शैतान है, जो छाप है, जो चिप है ना, वो आपको लगानी पड़ेगी। धनी, दास, स्वतंत्र, कंगाल, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। बिना छाप के आप कहीं कुछ काम नहीं कर सकते। आपको इतना विवश कर दिया जाएगा, और जो नहीं लेगा उसका सिर काट दिया जाएगा। आगे 17, कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन न कर सके। कोई लेन देन नहीं कर सकते है आप बिना चिप के। आने वाला है, अभी आधार कार्ड है, आधार कार्ड में 6 नंबर और लग जाएंगे तो 666 हो जाएगा। आधार कार्ड का नंबर क्या है? 12। एक इंटरनेशनली नंबर आपको दिया जाएगा जिसका 18 नंबर होगा, 666, और वो लगेगा ही, और उसके नंबर का चावल के दाने का एक होगा, चावल के दाने का के बराबर का एक चिप होगा जिसमें इलेक्ट्रिसिटी होगी। आपको पता है आपके शरीर में इलेक्ट्रिसिटी है, आपके शरीर में इलेक्ट्रिसिटी है, तो उस चावल के दाने पर आपका नंबर लिखा होगा, और उस नंबर के अंदर आपका बैंक अकाउंट, कितनी प्रॉपर्टी है, कहाँ पैसा रखा है, क्या है, सब कुछ डिटेल उसमें होगी।
जब आप जाएंगे कोई चीज खरीदने के लिए, आप जैसे आज जाते हैं डीमार्ट, कोई भी सामान लेते हैं, तो सामान पर जो कोड होता है, जो सामने वाला कोड दिखाता है और कहता ओके ये सामान 170 रुपए का है, आपका हो गया, उसी तरीके से आपका हाथ उस मशीन पे सामने आएगा, ओके आपने 1000 रुपए का सामान लिया है, किया ओके 1000 रुपए आपके अकाउंट में कट गए, वहां से पैसे कट जाएंगे और आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन वो चिप बाइबल कहती है कि शैतान की है, हमें नहीं लेनी है, हमें नहीं लेनी है। लेकिन उस चिप से पहले ईशु आने वाला है। हेलो, मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बहुत जल्द ईशु आने वाला है, यानी कि हम बहुत निकट हैं। आमीन। इसलिए कितनों को ईशु के साथ जाना है? आमीन। हमें अपने आप को संभालना है। बाइबल में लिखा हुआ है कि अंतिम समय में जो पहले आए थे वो बाद में हो जाएंगे और जो बाद में आए थे वो पहले हो जाएंगे। आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं 25 साल से प्रभु में हूं, मैं 50 साल से प्रभु में हूं, मैं 10 साल से प्रभु में हूं। नहीं, जो उसकी आज्ञाओं पे खरा उतरेगा उसको ले जाया जाएगा। आमीन। इसलिए आपकी जो अभिलाषाएं हैं उनके द्वारा, इसलिए मैं बताऊं यीशु मसीह क्यों आया, इसी का पढ़ाई इफिसियों 2:3-5 पढ़िए, 3-7 ध्यान से समझिए। इफिसियों 2:3-7, इनमें हम भी सबसे पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। प्रेज द लॉर्ड। किसकी बात कर रहा है? हमारी बात कर रहा है। हम लोग क्या थे? शरीर की अभिलाषाओं में दिल बिताते थे। आज खाना ये खाना है, कल वो खाना है, आज ये कपड़ा ये चाहिए, आज वो चाहिए, शरीर की अभिलाषाओं में, पैसे का, पैसे की सेविंग बिकॉज ऑफ योर शरीर। प्रेज द लॉर्ड। सिक्योरिटी आज। तो हम भी पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे। किसकी मनसा पूरी करते थे हम? शरीर की इच्छा। आपको रोटी कमानी है बिकॉज ऑफ शरीर। प्रेज द लॉर्ड। और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। आपके अंदर क्या स्वभाव था? क्रोध का। आपके अंदर क्या स्वभाव था? शैतान का। किसी को मारने में, किसी को धोखा देने में, किसी की बुराई करने में आपको संकोच नहीं होता था। लेकिन आज क्या है, जब यीशु का स्वभाव हमारे अंदर आया, जब यीशु मसीह की ज्योति हमारे अंदर आई, अगर कोई हमारे सामने किसी की बुराई करता हमें बुरा लगता है, अगर कोई हमारे हम झूठ अगर बोलते तो हमें, हमारी आत्मा को शोकित होते हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ। कितनों को होता है? यस, मैं किसी के संग गलत कर रही हूँ, अपने अंदर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हम प्रभु की आत्मा के हैं, हमारे अंदर प्रभु की आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये एहसास होना चाहिए। आगे चौथा, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, उसने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। किससे प्रेम किया? बड़े प्रेम के कारण, यीशु मसीह का कुर्बान करके। इससे बड़ा प्रेम और कोई नहीं हो सकता। यीशु मसीह का क्रूस पर बलिदान करके उसने हमसे प्रेम किया। उसने बताया कि मैं तुम्हें कितना प्रेम करता हूं, तुम्हारे लिए मैं अपने इकलौते पुत्र का बलिदान कर रहा हूं। उसने बताया कि उसके बलिदान के द्वारा ही तुम आशीष पाओगे, उसके बलिदान के द्वारा ही तुम पापों शापों से मुक्त होगे, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने उसके बड़े बलिदान, बड़े प्रेम के कारण आपसे प्रेम किया। आमीन। हालेलुया। आगे, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, हमें मसीह के साथ जिलाया। और क्या किया? अनुग्रही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। आमीन। हालेलुया। अनुग्रही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। परमेश्वर के अनुग्रह से तुम्हें चुन गए हो। परमेश्वर के अनुग्रह से तुम बचे हुए हो। हमारे अंदर कोई काबिलियत नहीं है कि हम बचे, हमारे अंदर कुछ भी नहीं है। ये परमेश्वर की कृपा है जो उसने हमें बचाकर कलीसिया में बैठा दिया। ये उसकी कृपा है जो उसने बचाकर अपनी आत्मा हमें दे दी। ये उसकी कृपा है कि उसने अपने इकलौते पुत्र से हमें मिलवाया। आमीन। धन्यवाद दीजिए।
रोज सुबह धन्यवाद दीजिए जो आपके अंदर खजाना है। वो खजाना नहीं जो बैंक में, उसका धन्यवाद मत दीजिए। धन्यवाद दीजिए कि मुझे परमेश्वर ने बचाया, धन्यवाद कि उसकी धार्मिकता मेरे अंदर है, धन्यवाद कि उसकी आत्मा मेरे अंदर है, धन्यवाद कि उसका सत्य मैं जान गया हूं। आमीन। इससे बड़ा खजाना और कोई नहीं है। ये खजाना आपका कोई भी चोरी नहीं कर सकता है। ये खजाना कोई भी आपसे चोरी नहीं कर सकता जो आपके अंदर है, जो यीशु ने आपको दिया है। इसलिए रोज इसको संभालिए, रोज चेक करिए, रोज चेक करिए, यस मेरे अंदर यीशु की धार्मिकता है कि नहीं है, यस यीशु की आत्मा मेरे अंदर है कि नहीं है। हालेलुया। रोज चेक करिए अपने खजाने को, यही सबसे बड़ा खजाना है और कुछ भी नहीं है। और यीशु की पवित्र आत्मा के द्वारा ही आपको छुटकारा मिलेगा। जब वो आएगा ना तो आप में अपनी आत्मा को देखेगा, दूर से ऊपर से देखेगा, अरे इस बच्चे के अंदर मेरी आत्मा है कि नहीं है। आमीन। और जिसके अंदर आत्मा होगी उसके स्वर्गदूत उसको लेकर जाएंगे। इसलिए आप किसी को संभाले ना संभाले, उसकी आत्मा को संभालिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। हम ये कभी ना भूले, हम कभी ना भूले। अपने धंधे को एक बार भूल जाए चलेगा, अपनी नौकरी को भूल जाए चलेगा, अपने बच्चे को भूल जाए चलेगा, अपने पति को भूल जाए चलेगा, लेकिन उस आत्मा को कभी ना भूलें जो परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है। आमीन। क्योंकि वही आत्मा आपको यीशु के चरणों में लेके जाएगी। आमीन। हालेलुया। पढ़िए सातवां इफिसियों 3 का पांचवा पढ़ा, छठा, और मसीह यीशु के उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। हाँ। कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। छठा दोबारा पढ़ी, छठा दोबारा, छठा लाओ। और मसीह यीशु में उसके साथ, अब उसने हमें जलाया और क्या किया, मसीह यीशु के, देखिए यीशु मसीह ने आकर हमारे साथ क्या किया, परमेश्वर ने यीशु को भेजकर हमें क्या किया, उसने यीशु मसीह के साथ हमें जिलाया और यीशु के साथ हमें स्वर्गीय स्थानों पर बिठाया। आमीन। एक तो आपके अपराध क्षमा किए, आपको अपना स्वभाव दिया, अपनी आत्मा दी, यीशु की धार्मिकता दी और स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह के साथ आपको बिठा दिया। कहां पर? यहां पर आप बैठे हैं, यहां यीशु है और यहां परमेश्वर का सिंहासन है। आप जानते हैं आप कौन है? आप जानते हैं? इन चीजों को याद करिए कि आपको कहां बिठाया है आत्मिक आत्मा में। उसको समझने की कोशिश करिए, उसकी कीमत को समझिए। आमीन। हम छोटी छोटी बातों में अपने मन को लगाते हैं। आज इसने, आज हमारे इस हमारे अगवे ने हमारी इज्जत नहीं की, उसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, अरे कोई कीमत नहीं है। उस कीमत को याद करिए जो परमेश्वर ने आपको दी है, उस इज्जत को याद करिए जो परमेश्वर ने आपको दी है। उसने आपको उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। इसका मतलब यीशु मसीह के आने का मकसद क्या हुआ कि आपको अपराधों से मिटाकर, आपके अपराधों को मिटाकर, साम 32 का 1, आपको शुद्ध करके अपनी आत्मा देकर आपको स्वर्गीय स्थानों पर बिठाया। इसलिए यीशु मसीह जरूरी है कि नहीं है? हेलो, मुझसे बातें करिए। यीशु मसीह हमारे लिए जरूरी है कि नहीं है? यस। आमीन। इसमें उसने कुछ मांगा आपसे? नहीं। ये जो कुछ कर रहा है ये कौन कर रहा है? यीशु। आपसे कुछ मांगा? नहीं। मुझे पैसा दो? नहीं। मुझे अपना धर्म दो? मांगा कुछ? नहीं। वो नहीं कहता कि धर्म, वो धर्म नहीं बदलता है। लोग गलत समझते हैं कि यीशु मसीह धर्म बदलने के लिए है। नहीं, वो मन बदलता है। वो मन को बदलता है, वो जीवन को बदलता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपसे कोई पूछे कि आपका धर्म बदला है, नहीं, मेरा मन बदला है, मेरा जीवन बदला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा आपका मन बदला तभी आप यहां बैठे हुए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो क्या कहता है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया। आमीन। यहाँ पर धन्य किसको कहा जा रहा है? उसको जिसका अपराध क्षमा किया गया। हमने इफिसियों 2 का 1 में क्या किया कि तुम पहले अपराधी थे,
इफिसियों 2:1 क्या कहता है कि मैं अपराधी था। इफिसियों 2:5-6 क्या कहते हैं कि तुम्हारे अपराधों को खत्म कर दिया। 32:2 क्या कहता है, 32:1 क्या कहता है साम, क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया। क्या ही धन्य है, आमीन आमीन, क्या ही धन्य है। आप धन्य है, बोलिए मैं धन्य हूं, बोलिए मैं धन्य हूं, मेरा अपराध यीशु मसीह ने मुक्त किया, मुझे अपराधों से मुक्त किया यीशु मसीह के लहू के द्वारा। मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं। यह है आपकी जायदाद, यह है, इसको याद रखिए कि आपको परमेश्वर ने, और क्यों किया आपको पता है, आपको क्यों अपराधों से मुक्त किया, क्यों पापों से मुक्त किया, क्यों उसने अपना स्वभाव डाला, ताकि आप उसकी भलाई को देख सके। दूसरा कुरिन्थियन 5:18, 2 Corinthians 5:18, क्यों उसने हमें माफ किया। मेरी बहन ये समझना बहुत जरूरी है। हेलो, बहुत जरूरी है ये समझना। यीशु ने हमारे अपराधों को क्यों क्षमा किया, क्योंकि आपके जो अपराध है ना वही आपको कठोर बनाते हैं। आपको कठोर कौन बना रहा है, आपके अंदर पाप। अगर कभी कभी भी आप कहीं कठोरता अपने अंदर महसूस कर रहे हैं, प्लीज अलर्ट हो जाइए, प्लीज अलर्ट हो जाइए। अंतिम समय में होगा, शैतान बौखलाहट है, शैतान के अंदर बौखलाहट है, उसका एक ही मकसद है कि आपको पीछे करे, वो उसका एक ही मकसद है, वो आपको पीछे करे। कैसे करे, आपके अंदर घमंड लाकर, आपके अंदर अहम, ईगो, संदेह, कठोरता। आपको वचनों का ज्ञान ज्यादा हो गया, नहीं अब चर्च नहीं जाएंगे, बहुत हो गया यार, नहीं नहीं। जब ऐसा होने लगे, मैं आपको सच कह रहा हूं, ये चिन्ह समझ लीजिएगा कि आपको शैतान पीछे करने वाला है। उसी समय घुटने पे आइए और अपने यीशु को याद करिए, और उस अधिकार से जो आप पढ़ते हैं रोज 2 Corinthians 10:5 कि परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध आने वाले हर विचार को मैं यीशु मसीह का गुलाम बना देती हूं। ये अधिकार आपके पास है कि नहीं। मेरे अंदर घमंड नहीं, मेरे अंदर दीनता आनी चाहिए। बाइबल कहेगी किसी के सामने झुकोगे तुम्हारे अंदर दीनता आएगी। शैतान कहेगा अरे तू 15 साल से कलीसिया में है, तू लीडर है, तू पास्टर है, तू पास्टर की वाइफ है, तू पास्टर का बेटा है, तू झुकेगा। उसको बोलिए हां मैं ही झुकूंगा, क्योंकि झुकने में ही मुझे यीशु का आशीष है। मैं जितना झुकूंगा यीशु मुझे उतना उठाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस अंतिम समय में हमें सिर्फ एक ही चीज देखनी है कि हमें यीशु के साथ जाना है, अपने स्वभाव को आपको देखना है। नहीं, शैतान लाएगा आपके घर के अंदर प्रॉब्लम्स लाएगा, आपके रिश्तों में प्रॉब्लम लाएगा, चर्च में वो आपको बेट वो लाएगा, गुटबंजी लाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, शैतान लाएगा, लेकिन आपको पहचानना है। परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी है, नहीं मुझे निकलना है। बहुत कम लोग जाने वाले हैं, याद रखिए परमेश्वर का अभिषेक आपके साथ होना चाहिए। हालेलुया। तो क्या कहती है, धन्य है वो जिसके अपराध क्षमा हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। 1 Peter 1:3-5 के बीच में पढ़ेंगे हम अंतिम, क्यों यीशु मसीह आया। देखिए जानना बहुत जरूरी है, हम अगले संडे यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने वाले हैं, हमारे जीवन में यीशु मसीह आया है, क्यों आया है ये जानना बहुत जरूरी है। 1 Peter 1:3-4 क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति के संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ, परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो जिसने यीशु मसीह के जीवित हुओं में से अपनी बड़ी दया, जब वो यीशु मसीह जीवित हुआ तो उसने हमें पवित्र आशा दी, जीवित आशा दी। वो क्या है, चौथा क्या है,
अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिराज के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। क्या आशा है? वो आशा है कि अजर अमर अमित वो उत्तराधिकार जो हमारे लिए, किसके लिए बोलिए? हमारे लिए, एक साथ बोलिए हमारे लिए, बोलिए मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए मेरा उत्तराधिकार स्वर्ग में रखा है। ये आशा यीशु मसीह ने दी आपको। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और उस आशा को पाने के लिए परमेश्वर का सामर्थ आपकी रक्षा करता है। पांचवा पढ़िए। जिसकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। आमेन। आपकी रक्षा पता कौन कर रहा है? परमेश्वर का सामर्थ। आमेन। आप समझते कि आप अकेले हैं? आप समझते कि आप जा रहे हैं थक गए हैं? नहीं, आपकी रक्षा हर पल हर क्षण 24 घंटे परमेश्वर का सामर्थ कर रहा है, क्योंकि आप उस कीमत को नहीं जानते जो परमेश्वर ने आपको दी है, लेकिन परमेश्वर जानता है जो कुछ उसने आपको दिया है। इसलिए वो आपकी रक्षा अपने सामर्थ के द्वारा धरती पर कर रहा है। आप जहां जाते हैं उसका सामर्थ आपके साथ आता है। अंधकार की शक्तियां नहीं वो देख रही हैं, परमेश्वर का सामर्थ आपको मिल रहा है। हेलो, आप नहीं जानते हैं आप कितने कीमती हैं परमेश्वर के लिए, कितने कीमती हैं आप परमेश्वर के लिए। इसलिए विश्वास करिए, छोटी मोटी चीजें, छोटी बीमारी, छोटा ये दुख, इनसे परवाह मत करिए। आप परमेश्वर का सामर्थ आपकी रक्षा कर रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपसे बहुत 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 प्यार करता है, इसीलिए यीशु का आना बहुत जरूरी था। हम लोग भटके हुए थे, हम लोग को पता नहीं था क्या कर रहे हैं, हम लोग संसार को देख रहे थे, हम लोग संसार के रीति रिवाजों में उलझे हुए थे। शैतान ने हमारी बुद्धि बंद कर दी थी, किसी कुछ भी पाने के लिए हम लड़ने के लिए तैयार थे, मरने के लिए तैयार थे, छीनने के लिए तैयार थे। लेकिन यीशु मसीह ने धरती पर आकर हमें शुद्ध किया, हमें पवित्र किया, हमें अपनी धार्मिकता दी, और उसने बताया कि जीवन अगर तुम्हें पाना है तो वो ज्योति के द्वारा ही मिलेगा। अगर आपको सही जीवन जीना है तो परमेश्वर की ज्योति आपके अंदर होनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर की ज्योति को बना के रखिए, और जब तक परमेश्वर की ज्योति आपके अंदर रहेगी ना, आप अपने अंधकार को जो आपके अंदर है तभी निकाल पाएंगे। और आप नहीं निकाल सकते, निकालेगा कौन? परमेश्वर। इसलिए वो कहता है प्रकाशित वाक्य 3 में कि मैं द्वार पर खड़ा हूं और मैं खटखटाता हूं, जो दरवाजा खोलेगा मैं उसके संग अंदर आकर भोजन करूंगा। आमेन। कहीं भी मेरी बहन, कुछ भी आपको संदेह होता है, प्लीज अगर आपको वचन समझ में नहीं आ रहे हैं, हमसे संपर्क करिए, हम आपको समझाएंगे प्रभु के आशीर्वाद से, उसकी आत्मा के द्वारा। लेकिन प्लीज समझने की कोशिश करिए, अंतिम समय है। अपने अहम में, अपने ईगो में शैतान आपको बोलेगा तू बहुत कुछ जानता है। नहीं, वी हैव टू चेक आवर सेल्फ। हमको चेक करना, जैसे एक औरत खाना बनाती है उसको टेस्ट करती है। कितनी भी एक्सपीरियंस औरत होगी, जब भी वो खाना बनाएगी चेक करेगी, नहीं चेक करेगी? दाल बनाए कुछ चेक करेगी, हाँ ठीक बनाए? रोज डालती है नमक, वो रोज हल्दी डालती है, रोज सब कुछ डालती है, फिर भी चेक करती है, क्यों? क्योंकि भाई खाना सही होना चाहिए। मैं तो आपको भी रोज चेक करना है, रोज कि मैं सही हूं, मैं गलत चाल तो नहीं कर रहा हूं। और अगर अपने बच्चे, आपके बच्चे अगर गलत चल रहे हैं उनको संभालिए, आपका पति आपकी पत्नी गलत चल रहा है उनको संभालिए। मत सोचिए कि वो बुरा मानेगा, मत सोचिए कि नहीं, उसको सच बताइए। जब तक आप सच का बीज नहीं बोएंगे उसके अंदर फसल कैसे आएगी? अगर हम डरते रहेंगे कि मैं अपने पिता को कैसे बताऊं, वो नहीं समझेगा, अरे वो ना समझे, आप तो बोलिए। आमेन। आप बोलिए अपने घरों में, आपका पति नहीं जानता उसको बोलिए कि यीशु मसीह एक ज्योति है, उसको बताइए, तब वो वचन उसके अंदर काम करेगा। आमेन।
मनों को बदलने वाले आप और मैं नहीं है, मनों को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्या आप जितने यहां बैठे हैं गलत काम कर रहे हैं? हाँ के ना? हेलो, आप कोई गलत काम कर रहे हैं? आप कोई पाप कर रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। इसलिए दुनिया के सामने अंगीकार करिए कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है। दुनिया के सामने अंगीकार करिए कि यीशु मेरी ज्योति है और वो मेरे अंदर है। यहां पर कई लोग दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हैं, उसकी ज्योति को अपने अंदर रखिए, दुष्ट आत्माएं निकल जाएंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यीशु का आना बहुत जरूरी था, इसलिए यीशु मसीह मेरे लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद कि यीशु मसीह आया और मेरा स्वभाव बदला। मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आया, मैं परमेश्वर को जान सका, मैं परमेश्वर के योग्य चाल चलने के योग्य हो गया। आमेन। आप नहीं जानते कि परमेश्वर कितना महान है। हालेलुया। कितने विश्वास करते हैं? कितने विश्वास करते हैं? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करिए, अपने आप को परमेश्वर के करीब लेकर आइए। आज का वचन आपने कबूल किया, एक्सेप्ट किया, बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, प्रभु आपसे बहुत 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 प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। जूम मीटिंग में जो देख रहे हैं वो भी, अगर आपको कुछ भी पूछना है मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, फोन करके पूछ सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आ रहा है। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में रहिए, क्योंकि निकट समय है और परमेश्वर आने वाला है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।